अब मैं प्रतिपक्ष के नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को चाहता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सिवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं और सिवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया, वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया। उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्म लिया है उसका सम्मान बढ़ाने की जिम्मेवारी इस आसन, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था, हमने प्रयास किया था कि यह आसन की पवित्रता बरकरार रहे, यह आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए, यह माहौल बनाना है।